गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग में मैं आपको अपने फ्लावर दिखाऊंगी, कुछ फ्लावर दिखाती हूँ। कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ। प्लांट के बारे में मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ। ये प्लांट है ना, जो बहुत अच्छा ग्लो करते हैं। वो खाद, ये गोबर की खाद से तो करते ही हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा मिट्टी यूज करती हूँ, और मैं जो घर में सड़ी चीज़ें होती है, जैसे आलू के छिक्कल, प्याज के छिक्कल, ये देखिए मैं लाई हुई हूँ, तो वो सब मैं प्लांट में डालती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, उनको वेस्ट नहीं करती हूँ। और प्याज के छिक्कल, लहसुन के छिक्कल और जो आलू के छिक्कल होते हैं, मुझे किसी ने बताया था, वो ब्लॉग देखेंगे तो उनको हंसी आएगी, थैंक यू। जब से उन्होंने मुझे बताया है, मैंने कभी आलू के छिक्कल, प्याज के छिक्कल और ये लहसुन के छिक्कल, ये लौकी के छिक्कल कभी नहीं फेंके, हमेशा अपने प्लांट में डाली है। तो वो बहुत जल्दी ग्रो भी करता है और ग्लो उसका कलर इतना सुंदर आता है, बहुत ज्यादा। येलो प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था वो ज्यादा इसकी वजह से। और ये फ्लावर, जब वो गेस्ट हमारे वहाँ आए थे, ये प्लांट बहुत सूखा हुआ था, तो ये प्लांट को देख के उन्होंने मुझे बताया था कि आप इसमें आलू के छिक्कल, प्याज के छिक्कल या ये लहसुन के छिक्कल डालिए। और मैंने डाला तो ये देखिए उसका नतीजा, उन्होंने बोला था कि मुझे दिखाना, ये देखिए। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे प्लांट दिखाऊंगी। ये सारे प्लांट हूँ, आप लोग भी मत फेंकिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगी। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उससे आपको हमारी वीडियो दे। और प्लीज वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी देखिएगा, पूरी देखिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए मैं फ्लावर बालकनी से स्टार्ट करती हूँ, बालकनी से दिखाऊंगी आपको। Thank you.
ये देखिए रेड वाला गुड़हल है, पूजा के लिए हो जाते हैं मेरे, और ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ये देखिए ये रेड गुड़हल है, कैसे लगे मेरे फ्लावर प्लांट बताइएगा जरूर। अगर मेरे प्लांट का एक पत्ता भी अगर टूट जाए या हवा से टूट जाए, बच्चे तोड़ देना, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरे बच्चे बहुत डांट करते हैं, मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे, अगर ट्यूशन के बच्चों ने आकर अगर एक फ्लावर तोड़ दिया या पत्ता तोड़ दिया, वो भी बहुत डांट करते मेरे हाथ से। इसलिए मुझे अपने प्लांटों से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार से लगाती हूँ।